गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे। कल हमने वचन से सुना था, जब हम प्रभु का हजूरी में आते हैं नम्रता के साथ, लीन के साथ हम प्रार्थना में आना है, तभी परमेश्वर हमारा प्रार्थना को कबूल करेगा। आज हमारा विषय है परमेश्वर से जो स्वर्गीय भोजन हमको मिलते हैं, उस स्वर्गीय भोजन का ताकत बल बहुत दूर तक हमको चलाएगा। आज डेली ब्रेड का परमेश्वर का सेवकाई में आपको सबको परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। खुदा सबको आशीष दे। प्रार्थना के साथ हम प्रभु का पवित्र हजूरी में परमेश्वर का वचन को सुने। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करना, तेरा जीवित वचन हमारे सबके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। खुदावन, हमारे आत्मा और शरीर और प्राण तेरा पवित्र वचन के साथ खुदा मजबूत हो जाए और तेरा आशीष हम पाए। प्रभु आज हमसे तेरे वचन के द्वारा बातचीत करे, हमारे जरूरत के अनुसार हमसे बातचीत करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। पहले राजा 19 अध्याय उसका 8वां आयत। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। परमेश्वर हमको जो आत्मिक भोजन देते हैं, उस आत्मिक भोजन का बल बहुत दूर हमको चलाएगा। एलिया नबी के बारे में हम लगातार सुन रहे हैं। एलिया नबी का जिंदगी में एक बहुत बड़ा बात हुआ है, इस वचन में हम देख सकता है। इस समय एलिया अपना जीवन में अपने आप को मौत चाहते हैं, बस मेरा प्राण को ले ले। लेकिन एलिया ने मौत चाहा, परमेश्वर ने उनका इच्छा को पूरा नहीं किया, मौत नहीं दिया परमेश्वर एलिया को, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे एलिया का जो शत्रु है इसबेल अहाब उसको शर्मिंदा करे। शैतान कभी झूठ बोलकर हमको डराने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, उसके वजह से कदम करना, यही शैतान का लक्ष्य है। यहां पर परमेश्वर एलिया के विषय में डायरेक्ट काम करना चाहते हैं। यस, ये परमेश्वर का वचन जो लोग सुनते हैं, आपका जिंदगी कुछ चुनौतियों को सामना कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या को आप सामना कर रहा है। आज पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं। एलिया नबी के जीवन में जैसे परमेश्वर ने सीधे डायरेक्ट काम किया, आपका जीवन में भी परमेश्वर डायरेक्ट काम करने जा रहा है। स्वर्गदूतों को भेजकर और परमेश्वर एलिया नबी को अच्छे खाना खिलाया, एक लंबा सफर के लिए, एक सेवकाई के लिए परमेश्वर एलिया को तैयार कर रहा है। हम यहां पर देखते हैं एलिया नबी फुर्स हो गया, परमेश्वर ने फुर्स को भोजन दिया। उस भोजन का बल के कारण, बल के वजह से परमेश्वर का पर्वत होरेब तक एलिया को चलाया। देखिए, समस्या के बीच में, टेंशन के बीच में, डिप्रेशन के बीच में
एलिया का प्रार्थना एक नेगेटिव प्रार्थना हो चुका था, लेकिन परमेश्वर एक स्वर्गीय भोजन उसको दिया है, गरम गरम खाना दिया है परमेश्वर ने उसको। उस नेगेटिव अवस्था को परमेश्वर ने पॉजिटिव में बदला है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर का जो भोजन है, परमेश्वर का जो रोटी है, वो परमेश्वर का जीवित वचन है। वचन हर एक सवाल का जवाब देते हैं, इसीलिए इस वचन के ऊपर विश्वास करके आप इस वचन को ग्रहण कीजिए, ये आपका जीवन के लिए आत्मिक खुराक है। कुछ परमेश्वर का अद्भुत काम आज आप देखने जा रहा है, जैसे एलिया नबी के जीवन में परमेश्वर ने किया है। सिर्फ आपका शरीर में नहीं, आपका आत्मा में भी, आपका प्राण में भी बल देने वाला, शक्ति देने वाला, तंदुरुस्ती देने वाला एक बड़े काम परमेश्वर आपका जीवन में कर रहा है। आप जो वचन सुन रहा है शुद्ध पवित्र वचन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये डेली ब्रेड पूरी तौर से परमेश्वर का शुद्ध वचन आपके पास पहुंचा रहा है। ये वचन की बल से, ये वचन की ताकत से परमेश्वर आपको लंबा समय ले जाएगा। आत्मिक रूप में, रूहानी जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर इस वचन के द्वारा एक शक्ति देंगे, एक बल देंगे। आपको मालूम है, इंसान देने वाला भोजन थोड़ी देर के लिए टेस्ट देते हैं, थोड़ी देर के लिए उसका तंदुरुस्ती देते हैं, उस थोड़ी समय के लिए है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोला मत्ती की इंजिल में, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से परमेश्वर के मुख से निकलते हैं जीवित रहेगा। इसलिए इस नया साल में आपका जीवन में परमेश्वर का वचन के लिए प्रथम स्थान दीजिए। ये डेली ब्रेड रोज सुबह प्रार्थना के साथ, वचन के साथ आप अपने जीवन को शुरू कीजिए। अकेला वचन सुनना नहीं, विश्वास करना है, कबूल करना है। परमेश्वर का वचन का एक वायदा आपका है, मेरा है। इस वचन की सामर्थ आपके जीवन में रोज बड़े बल और शक्ति देने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचन के लिए, रोज सुबह आप हमको देते हैं। पवित्र आत्मा खुदा, इस वचन हमारे जीवन में जो सुनते हैं सबके जीवन में बड़े कार्य करें। एलिया नबी हमारे समान एक साधारण व्यक्ति, आपने उनके जीवन में कितने अद्भुत काम किया है। निराशा से, टेंशन से, डर से, डिप्रेशन से आप उसको उठाया और इस्तेमाल किया। इसी तरह आज सुबह हो रबा का शांदना, एक नया अभिषेक, एक नया सामर्थ हमारा सबके जीवन में होने दे प्रभु, ताकि हम भी आपका मकसद पूरा होने तक हम आगे बढ़ते जाए। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। धन्यवाद हो आपने इस परमेश्वर का वचन का सेवकाई को सुनते हैं देश विदेश से, जो लोग फोन करते हैं आपको, सबको हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे सबके लिए है, तो आप इस वचन सुनकर आशीष पाइए और दूसरों को भी यह वचन इंट्रोड्यूस कीजिए, आपका अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए, लिंक कीजिए। आमीन। ये इस परमेश्वर का वचन जरूर हमारे जीवन में बड़े आशीष का कारण बनेगा। आज पूरा दिन एलिया का परमेश्वर आपके साथ होगा, आपके परिवार के साथ होगा, आपके बच्चे के साथ होगा, आपका सेवकाई में एक नया फ्रेशनेस, आपका जीवन में एक नया ताजापन
ये वचन दे रखा है. गॉड ब्लेस यू. गॉड विथ यू.